हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपनी स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन में एक्सरसाइज 2.4। 2.3 की कंप्लीट हो चुकी थी। अब एक्सरसाइज 2.4 के लिए अपन को कुछ नाइन्थ क्लास की बेसिक प्रीमियर एलिमेंट संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीमियर संख्या आपको सबको पता है कि प्रीमियर संख्या किस रूप में लिखी जा सकती है, पी बटा रूप में लिखी जा सकती है, जिसका रूट नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रीमियर संख्याओं का दशमलव प्रसार, प्रीमियर संख्याओं का दशमलव प्रसार, स्टूडेंट्स प्रीमियर संख्याओं का दशमलव प्रकार दो प्रकार का होता है। जो पहला दशमलव प्रसार होता है उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? देखो शांत दशमलव प्रसार का मतलब ये हुआ कि जिसमें आपके सामने कोई एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिया यहां पर 2.5। अगर अपन 2 को 5 से डिवाइड मारेंगे तो आपको पता है डिवाइड कर रहा क्या लगेंगे, पॉइंट उतार लेंगे 0.5 20, तो आंसर क्या है 0.4। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया, चलो 5 को ऊपर ले लेते हैं, 2 को नीचे लेते हैं, तो इसको क्या डिवाइड मारेंगे क्या आएगा, यानी कि 5 को डिवाइड माइनस 2 से, तो 2 की जगह को 1 के रिमाइंडर आ जाएगा 0.025 है, तो यानी क्या आंसर आया 2.25। ठीक है शांत दशमलव प्रसार का मतलब ये हुआ कि अगर प्रीमियर संख्या में हर अंश को हर से डिवाइड करने के बाद अगर शेष फिर क्या जाए 0, यानी कि भाग क्या चला जाए पूरा पूरा भाग जाता हो, उसको बोलते हैं शांत। शांत का मतलब हुआ कि पॉइंट के कुछ देर बाद में वहां पर शेष पर क्या गया 0 आ गया, यानी कि भाग पर क्या चला गया पूरा पूरा भाग चला गया, उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और ऐसी संख्याएं दिख जाए तो स्टूडेंट्स वो संख्याएं होती है प्रीमियर संख्या। इतना समझ में आ गया अच्छा, इसी में आपको नोट लगा एक बात लिखनी है और अच्छे से समझना है। अगर कोई भी संख्या प्रीमियर संख्या है, अगर उसका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत दशमलव प्रसार हो, तो उसके हर के गुणनखंड में हमेशा या तो 2 मिलेगा या 5 मिलेगा, या 2 और 5 दोनों मिलेंगे, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार में प्रीमियर संख्या के हर का प्रीमियर संख्या का हर 2 की घात 5 n गुणा 5 की घात n के रूप का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या लिखा, शांत दशमलव प्रसार में प्रीमियर संख्या का हर 2 की घात 5 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई प्रीमियर संख्या है, अगर उसके बट्टे में अगर 2 आ गया या 5 आ गया, ये सूत्र ना वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी, यानी उसको क्या बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। जैसे और एग्जांपल, चलो 27 को आप 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2 × 2 2 × 3 ने कितना आएगा 6 पॉइंट लगाएंगे क्या आएगा 5 बताओ पूरा पूरा डिवाइड बाय यानी हुआ, चलो 27 को 5 से डिवाइड करो 5 क्या आएगा 25, कितना रिमाइंडर बचा 2 लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे 0 5 कितनी बार बताओ शेष पर 0 है नहीं है, यानी कि दुनिया की हर संख्या में अगर 2 का भाग और 5 का भाग देंगे तो हमेशा वो पूरा पूरा जाएगा, तो उसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। तो आपको नोट करा गया एक बात याद रखनी है कि शांत दशमलव प्रसार संख्या वही होगी जिसका हर यानी कि नीचे जो आपको पता है ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या हर। हर का गुणनखंड कैसा होगा 2 और 5 के रूप में, या तो 2 के रूप में होगा या 5 के रूप में होगा, या 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती। क्या आया क्या समझ में? जैसे और एग्जांपल लो, किसी बच्चे की इच्छा हो गई कि सर मैं तो 99 को 2 से डिवाइड मारूंगा, तो आप 99 को 2 से डिवाइड मार देंगे 2 × 4 = 8 कितना बचा 1, फिर क्या होता है 9 × 2 = 9 क्या कितना होगा 18, कितना बचा 1 लगाएंगे पॉइंट उतारेंगे 0 × 2 = 10। तो देखो स्टूडेंट्स, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 पर 0
जो आ गया क्या, यानी कि कौन सा हो गया शांत दशमलव प्रसाद। तो आपको ये याद रखना है कि अगर मान लो कोई आपको उसको संख्या दे देता है तो आपसे पूछ ले कि शांत दशमलव प्रसाद होगा या नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके हर के आपको घनखंड कर लेने। अगर हर का घनखंड में या तो दो आ जाए, दो की बार एम का मतलब दो कितनी बार भी आ सकता है, पावर में लिख दिया दो बार भी आ सकता है, तीन बार भी आ सकता है, या फिर क्या आ जाए पांच आ सकता है, पांच की बार एम लिखा मैंने यहाँ पर पावर बना दे दिया, यानी कि पांच भी कितनी भी बार आ सकता है, या फिर दोनों आ सकते हैं, दो भी आ सकता है या पांच भी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आएगी। अगर ऐसा है तो वो शांत दशमलव प्रसाद है। अगर मान लो किसी संख्या के गुणा के अंदर दो भी आ गया, पांच भी आ गया और तीन भी आ गया, तो वो शांत दशमलव प्रसाद नहीं होगा। स्टूडेंट्स समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसाद पढ़ रहे थे, जिसमें से एक पढ़ लिया अपने कौन सा शांत दशमलव प्रसाद। शांत दशमलव प्रसाद का मतलब ये होता है कि अंश में हर का भाग देने पर वो दशमलव के बाद में पूरा पूरा चला जाए, यानी कि शेष पर जीरो आ जाए, उसको शांत दशमलव प्रसाद कहते हैं। शांत दशमलव प्रसाद को पहचानने का तरीका ये होता है कि उसके हर के अंदर उसका जब भी हर का गुणनखंड करे दो और पांच के रूप में ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। चलो दूसरा लेते हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसाद कौन सा होता है? वो होता है स्टूडेंट्स ऐसा दशमलव प्रसाद, सॉरी एहसान आवर्ती दशमलव प्रसाद। और ये हो गया पॉइंट नंबर टू, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसाद का दूसरा रूप होता है एहसान आवर्ती दशमलव प्रसाद। देखो ऐसा का मतलब हुआ कभी भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने एग्जाम्पल लिया एक बटा तीन, इसका मतलब हुआ एक को भाग दो तीन से, बाद में जरा कौन कराएंगे, फिर लीजिए नाइन वन डिविडेंड था फिर जीरो, फिर थ्री लीजिए नाइन थ्री डिविडेंड था फिर जीरो करेंगे फिर लीजिए नाइन एंड सो ऑन, इन्फिनिट तक चलता रहेगा। तो बताओ क्या शेष पर जीरो आया क्या? तो आप बोलोगे सर शेष पर जीरो नहीं आया। अगर शेष पर जीरो नहीं आया तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसा अंतर बोलते हैं। अब बात आती है जब आपने वन को थ्री से डिवाइड किया तो क्या है? जीरो पॉइंट थ्री थ्री थ्री। अब देखो ये फिनिशिंग जो है तो चलता रहेगा, तो क्या करेगा आगे समझ में? अच्छा फिर मैंने एक शब्द लिखा आवर्ती, ऐसा अंतर मतलब पूरा पूरा नहीं किया। आवर्ती का मतलब हो रहा है कि पॉइंट के बाद में पॉइंट के कुछ देर बाद में संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो गई, बिल्कुल पॉइंट के बाद में थ्री थ्री आ रहा है, इसको बोलते हैं आवर्ती, यानी कि अंकों की पुनरावर्ती हो रही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, नाइन्थ क्लास में सीखा था 0.3, जिस अंक की पुनरावर्ती हो रही हो उसको तो क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। आ गया क्या समझ में स्टूडेंट्स? आ गया। अब इसका हर देखो कैसे, हर कितना इसका? तीन। अगर ये शांत दशमलव प्रसार होता तो यहाँ पर दो और पांच के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आता, लेकिन अशांत आवर्ती में क्या होगा और कोई से क्या सकती है? क्या समझ में आ गया क्या बच्चों? तो प्रेमी संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होगा, शांत दशमलव प्रसार और एहसान आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अब चलते हैं प्रीमियस संख्या, इसमें चलते स्टूडेंट्स ए प्रीमियस। ये सारी चीजें आप नाइन्थ क्लास में पूरा चैप्टर रीड करके आए हो, जो भी पढ़ा रहे हो सारी चीजें नाइन्थ क्लास की है। ए प्रीमियस सारे स्टूडेंट्स को बताया ये रिजल्ट नंबर क्या होता है, बताओ देखिए ए प्रीमियस संख्या वो होती है कि जिनको अपन पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते यानी कि जिनका रूट नहीं निकाल सकता, रूट टू रूट थ्री रूट फाइव एंड सो ऑन ऐसे कुछ कर सकते हैं। ये तो प्रीमियम से ये हो सकता है आपको प्रीमियम से इस कुछ से याद नहीं। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका एक ही प्रकार का वो होता है, वो होता है ऐसा अनावर्ती दशमलव प्रसार, यानी कि इसमें टर्मिनेट नहीं होगा। ऐसा तो मतलब अगर आप किसी संख्या में कोई भाग दोगे तो कभी भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी कि शेष पर जीरो नहीं आएगा। अनावर्ती का मतलब क्या हुआ? अनावर्ती का मतलब हुआ कि कभी भी पॉइंट के बाद में ऐसा नहीं होगा कि एक ही संख्या रिपीट हो रही हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर संख्या बताओ, जैसे मैंने लिखा 810100000000, बताओ इसमें कौन से अंक क्या पुनरावर्ती हो रही है क्या? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पुनरावर्ती का यहाँ 81 0, हाँ हो रही है कंटिन्यू पुनरावर्ती नहीं हो रही। कैसे? जब यहाँ 81 आया फिर 0 आया फिर
का किस नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, किस नंबर फर्स्ट है आपके, वो यह है कि 15/1600 सेकेंड आपके पास 13/3125, थर्ड क्वेश्चन आपके पास 23/2×3×5×2, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास 17/6, फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास 129/2×2×5×7×7×5, और सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास 35/50, और सेवेंथ क्वेश्चन आपके पास 7/50। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अच्छा आपके सामने बुक है तो क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए, इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी संख्या में ऐसा नहीं 150 का भाग दो, वो बोल रहे इसका उपयोग मत करो, आप बिना भाग दिए बिना ये बताइए कि ये जो प्रीमेय संख्या है इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये पूछा। वो बोला कि जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 15/16, तो बोल रहा है कि आप 15/16 का भाग मत दो, बिना भाग दिए बिना आप ये बताओ कि जब इसमें भाग देंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा, वो अपन को बताना है। सबको बताइए प्रीमेय संख्या है, बताओ फ्रेंड्स प्रीमेय संख्या है या नहीं, तो आप बोलोगे यस सर ये प्रीमेय संख्या है, लिखा हुआ है, तो बताओ जब इसका भाग देंगे तो क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा या नहीं होगा। इससे जस्ट पहले मैं आपको एक नोट बनाकर लिखवा कराया था, उस नोट में फिर आपको यह बता कराया था कि अगर कोई प्रीमेय संख्या है अगर उसका दशमलव प्रसार अगर शांत होगा तो उसका हर के गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, 2×n^5 के रूप में होना चाहिए, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं अपन इस संख्या का हर कितना है 1600, तो अपन लिखेंगे हर 1600 के गुणनखंड करने पर 1600 के गुणनखंड आए वो कितने हैं बच्चों, देखो 2 कितनी बार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2×6×5 कितनी बार स्टूडेंट्स 5×2, आप चाहे जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको रफली भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसके लिए गुणनखंड यहां से लेकर लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स ये देखो इसका जो हर आया वो 1600, इसका गुणनखंड सिर्फ क्या आया 2 और 5 ही तो आया, इसके अलावा और कोई संख्या और उस नोट में लिखा रहता है अगर किसी भी संख्या के हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप है तो संख्या कैसी होती है बताओ, देखिए शांत दशमलव प्रसार, तो अपन क्या लिखेंगे यहां हर 2×n×5×n के रूप का है, यानी क्या लिखा यहां हर 2×n×5×n के रूप है, इसका जैसे तो है यहाँ पर n की जगह कितना चला 6, n की जगह कितना चला 2, कितनी भी पावर हो सकती है लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, अतः है यह शांत दशमलव इसका प्रसार कैसा होगा, अतः इसका प्रसार शांत होगा, कैसा होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। स्टूडेंट समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है, यानी कि इसका हर के गुणनखंड किए बिना भाग दिए बिना अपने जो नीचे हर के गुणनखंड किए उससे ये पता लगा कि इसके हर
करके प्रिंट में दो और पांच आ रहा है, तो हमने लिखते हैं कि यहाँ हर हर दो की घात है गुणा पांच की घात है, आता है ये सात दशमलव के साथ प्रूफ है, कोई दिक्कत है क्या किसी का? नहीं, ठीक है। तीसरा नंबर सही देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको स्टूडेंट्स क्या गिवन है, 13 बटे 3125 और आपसे ये पूछ रहा है कि 13 के अंदर 3125 का आपको भाग नहीं देना है, डायरेक्ट बताना है कि जब भाग देंगे तो शांत रहेगा या अशांत रहेगा, यानी कि भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही तरीका कि हर के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे हर के गुणनखंड करने तो चलो हर के गुणनखंड करने 3125, चलो बच्चों सबको पता है दो का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का क्या है पांच है, तीन का दे लेंगे क्या करेंगे उनका योग करके चेक कर लेते हैं, पांच दो सात, सात में आठ, आठ कितना हो गया 11, 11 तीन का भाग दिया जाए तो दो सीखे में भी मिल जाएगा, चलो तीन का जरा किसका चेक करेंगे पांच दो इकाई का, किसका पांच होने से किसका भाग जाएगा पांच का भाग जाएगा, देखो भाई पांच का भाग देते हैं पांच से तीस कितना बचा एक, 12 हो गया पांच दो दस, कितना बचा दो बचा फिर पांच का भाग देंगे पांच एक पांच, पांच दूनी दस कितना बचा बचन, फिर पांच का भाग देंगे पांच दूनी दस बचन, फिर पांच का भाग पांच भाग फिर पांच का भाग तीन, कैसे से समझ में आ गया क्या, यानी कि 3125 का अगर अपन यहां भाज्य गुणनखंड किए तो हो गया, तो अपन यहां लिखेंगे 3125 बराबर सिर्फ पांच ही पांच है, एक दो तीन चार पांच बार कर सकते हो, पांच की बार पांच लिख सकते हो, तो क्या मैं इसमें से सकता हूँ क्या कि 13/3125 को मैं से लिख सकता हूँ 13/5 की घात 5, 3/125 को मैं से लिख सकता हूँ। अब आपने बोला मैंने बोला था दो भी हो सकता है पांच भी हो सकता है दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं दोनों साथ भी हो सकते हैं, चलो अगर मैं यहाँ पर दो की घात 0 लगा देता हूँ तो बताओ उसका गुणा क्या है, किसी भी संख्या के ऊपर मेरा पहले बनाया हुआ है किसी भी संख्या के ऊपर पावर कितनी हो 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई नंबर है एक इसके ऊपर पावर 0 लगाता हूं उसका रिजल्ट क्या आएगा, वैसे दो की घात 0 इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं इसको 1 से गुणा करूंगा तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो बताओ ये संख्या कैसी होगी 7/10 क्यों, क्योंकि क्या लिखोगे यहां हर है 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का है, क्या होगा मेरे साथ सभी बच्चों ने बात समझ में आ गई होगी इसका हर कैसा है 2 की घात है, अब यहाँ पर बोलो सर n तो पावर में 0 तो है ना लिख तो सकता हूँ यहाँ पर, और ऑलरेडी 5 है तो लिखा था चाहे 2 अकेला है चाहे 5 अकेला है या 2 और 5 दोनों साथ आ जाए तो वो क्या होगी 7/10 होगा, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम बताएगा नहीं, अब इसी प्रकार ये दो किसी में नहीं पर पूछता है कि बिना भाग दिए बिना बताए इसका दशमलव प्रतिशत कैसा होगा, तो देखो बच्चों अपन क्या करेंगे हर के गुणनखंड करने पर अब 6 के गुणनखंड पे ऐसे लिख सकते हो 6 बराबर कह सकता हूं 2×3 लिख सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 17/6 बराबर 17/6 को लिख दिया मैंने 2×3, क्या बच्चों बताओ बच्चों इसके हर में 2 तो आ गया लेकिन ये एक संख्या वो नहीं आई जो आनी चाहिए, या तो 5 आ जाता या नहीं आता तो भी चलता, लेकिन एक्स्ट्रा संख्या कौन आ गई 3, तो क्या लिखेंगे इसका हर एक 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का है या नहीं है, नहीं है ना क्योंकि एक एक्स्ट्रा संख्या आ गई तो संख्या कौन है 3 है, तो लिखेंगे यहां हर 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, अगर ये उसके रूप का नहीं है तो ये शांत दशमलव प्रतिशत होगा, फिर कौन सा होगा अशांत होगा, कौन सा होगा अशांत होगा, अशांत होगा तो प्रीवियस संख्या में कौन सा होता है आवर्ती, तो लिखोगे
है 17/6 का दशमलव प्रसार ऐसा आवृत्ति होगा। क्या स्टूडेंट समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। किसान बात चित्र में देखो, ऑलरेडी इसके जुड़ने में कर रखे हैं, 2 की घात 2 आ गया, गुना 5 की घात 7 आ गया, गुना 7 की घात 5 आ गया। क्या बच्चों ये दोनों आते हैं तो 7 दशमलव प्रसार होगा, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, कौन आ गया? 7 आ गया, तो ये 7 दशमलव प्रसार नहीं होगा। कौन सा होगा? आप खुद करोगे क्वेश्चन, एहसान आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। क्या बच्चों लैंग्वेज लिखना आ गया समझ में? इसी प्रकार इस क्वेश्चन के 50 के गुणनखंड कर लेना, पता लगा लेना, खुद को करना है, और 7/6 का भी आपको खुद को करना है। मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, बोर्ड के अंदर मेरे सब क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स का आएगा। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन एक चलते हैं अपन, मैं यहाँ से भी इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, और ये भी बताना है कि वो शांत है या अशांत है, ये आपको बताना है। चलो मैं क्वेश्चन से ले लेता हूं, इसके क्वेश्चन से आपके पास में सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये 2.4 का सेकंड का फर्स्ट है, 13/125 सेकंड क्वेश्चन है, 14588/625 और क्वेश्चन नंबर थर्ड है 50/5। बच्चों इसमें से 2 क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड मैं करूंगा, क्या थर्ड वाला खुद कर लोगे आपको? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 13/125, ये दे रखा है क्वेश्चन को लिखो निम्नलिखित तीन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए। देखो पहले वाले क्वेश्चन में ना अपन से इतना पूछा था कि वो शांत है या अशांत है, इसमें ये तो पूछा ही पूछा है, लेकिन साथ में उसने ये भी पूछा है कि जब 13 के अंदर 125 का आप अगर भाग दोगे तो वो दशमलव प्रसार क्या आएगा, वो भी लिख कर बताओ। अब देखो उसको भी लिखने का तरीका चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हर के वर्णन करते हैं, सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ये पता लगाते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाए थे उसी तरीके से सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हर के गुणनखंड लिखेंगे, हर के गुणनखंड कर लेना। और बच्चों हर कितना है? 125। आपको पता है 125 ये आपको पेन कॉपी में नहीं करना है, चाहो तो आप अपने कर सकते हो। 5 की टेबल से 5 2 10 कितना बचा? 5 5 25 फिर 5 की टेबल से 5 बार फिर 5 की टेबल से 1 बार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5 या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की घात 3। एक ही बात है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे बच्चों इसके हर के गुणनखंड में क्या आया? 0.5 है। तो आपको पता है कि सर 2 आता है या फिर 5 आता है या 2 और 5 दोनों आए तो कैसा दशमलव होता है उसका प्रसार, शाम का दशमलव प्रसार। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 13/125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13/5 की घात 3, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 13/5 की घात 3। अब चलो इसको इसके अंदर मुझे 2 भी लाना है तो 2 को लाने के लिए क्या लिखते हैं 2 की घात 0, क्योंकि 2 है ही नहीं तो 2 की घात 0 का मान भी कितना होता है स्टूडेंट्स, एक ही तो होता है। तो मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका हर है ना वो 2 की घात 5 की घात n के रूप का है या नहीं है, तो आप बोलोगे यस सर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ हर 2 की घात n × 5 की घात n रूप का है। अगर इस रूप का है तो बताओ 13/125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार आता है। 13/125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। अभी तक उसका एक पोर्शन खत्म हुआ था, अपन से उसने क्वेश्चन में पूछा था कि ये बताओ कि त्रिमेय संख्या है
इसका दशमलव प्रतिशत कैसा होगा, तो हमने आंसर दिया 7 होगा। फिर उसने ये भी पूछा है कि इसका दशमलव रूप ज्ञात कीजिए, यानी कि जब 13 में 125 का भाग होगे तो क्या संख्या आएगी, दशमलव प्रतिशत कितना है। तो देखना स्टूडेंट्स, अब इसका दशमलव प्रतिशत ज्ञात करेंगे इसी क्वेश्चन का दशमलव प्रतिशत। अब दशमलव प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, संख्या दे दी है 13/125, बहुत ध्यान से समझना। एक तरीका तो ये होता है कि 13 में किसका भाग देगा 125 का आंसर आ जाएगा, लेकिन वो तरीका तो छोड़ना है, कुछ नया देखना। देखो मैं 13/ क्या मैं 125 को ऐसे लिखूं 5 से काटते हैं, आपने बोला था ये सब 125 के गुणनखंड में ये आता है। अब मुझे क्या चाहिए, 13/5 की घात 3 है, मैं चाहता हूं कि नीचे 10 बढ़ जाए, मैं क्या चाहता हूं नीचे 10 बढ़ जाए। अब 10 बढ़ाने के लिए मुझे आपको पता है 500 किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, 10 हो जाएगा। अब एक चीज समझना, मैंने 500 गुणा 2 से किया 10 आ गया, कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन मैं 5 की घात 3 को गुणा 10 से 2 से नहीं कर सकता। कारण बोलो, इससे यहाँ पर अगर 3 नहीं होता तो 5×10 नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कितनी पावर आ गई, 3 घात आ गई, तो इसके ऊपर भी कितनी घात होनी चाहिए, 3 घात, तब इन दोनों को मैं गुणा कर सकता हूँ, क्या आएगा 5×10 और ऊपर जो घात है वो उठा जाएगी। कैसे, आपने नियम पढ़ा होगा, अगर मान लो कोई संख्या ऐसी हो एक ही घात है गुणा बी की घात है, अगर दो संख्या एक गुणा में है उनकी घाते बराबर है, तो आप उन दोनों संख्याओं को गुणा करके और उनकी घाते सीधे लगा सकते हैं। आप क्या क्या समझ में, तो इसका मतलब सर यहाँ पर 10 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 से गुणा करने के लिए मुझे 2 की घात 3 चाहिए, यहाँ पर भी 3 घात, यहाँ पर भी 3 घात। अब आपको यह भी पता है अगर मैं इसको 2 की घात 3 से गुणा करूंगा तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 की घात 3 से, आपको पता है किसी भी बिंदु को समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने को उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, अंश हर को 2×3 से गुणा करना, तो यह हो जाएगा बच्चों 13/5×3 को नीचे हर में भी 2×3 से गुणा कर दिया, ऊपर भी किससे गुणा कर दिया 2×3, कोई दिक्कत नहीं, 2×3 से 2×3 वापस कट जाएगा, वापस आ जाएगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखना 13/2×3 सबको पता है 2 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों 8 आएगा, बटे इन दोनों को गुणा करने में 5×10 और 10 की घात कितना हो गया बच्चों 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए नहीं है स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए 13 को गुणा किससे करेंगे 8 से, 8×3 = 24 आशीष, तो 8 को कितना हो जाएगा 13 का कितना होता है 104 बटे 10 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब क्या हुआ, 10 की घात 3 का मतलब 10 कितने बार गुणा हो रहा है 3 बार, 10×10×10 तो बताओ बच्चों कितना आएगा 1000, ये तो आएगा, तो मैंने आपका कितना लिख दिया 1000। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा था नीचे 10 आ जाता है, 8 जीरो आती है तो उसे एक संख्या छोड़कर टोटल लगा देते हैं, 2 जीरो आती है तो संख्या छोड़कर बताओ यहाँ पर कितनी जीरो है नीचे 3 जीरो है, ऊपर से क्या करेंगे 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे 1, 2, 3, ये 3 संख्या छोड़ दी अपने और कहाँ पॉइंट लगा देंगे, कौन से पहले कौन नंबर नहीं करता लगाते हैं 0, ये इसका क्या गया 10 प्रॉपर सवाल क्या आ गया 10। तो लास्ट में क्या लिखोगे आप लिख सकते हो, अतः है 13/125 का दशमलव प्रतिशत, अतः है 13/125 का दशमलव प्रतिशत 0.104 होगा। क्या बच्चे समझ में आ गया, क्या अच्छी तरह से आ गया, अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन कम समझ में आया है तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और ले रहा हूँ, वो अच्छे से समझ लेना, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए एज डब्ल्यू होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 625 है अपने पास, इसके हर के गुणनखंड रखोगे आप अलग से कर सकते हो, सबको पता है
तीन का भाग जाएगा पांच और सात, सात और छह कितना होगा तेरह, तेरह में तीन का भाग हो जाएगा तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा, तो फिर किसका देंगे पांच का, पांच एकम पांच, एक बचा कितना है पांच दूनी दस, दो बचा पचम पच्चीस, फिर पांच का पांच दूनी दस, पांच पांच पच्चीस, फिर पांच का पांच बार और फिर पांच का एक बार, तो यानी कि 625 से गुणनफल हो गए एक दो तीन और चार, यानी कि पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच, यानी छह से पांच का चार। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, अच्छा भाई अब बताओ इसका हर कैसा आया बच्चों, पांच के रूप में आया यानी कि दो और पांच के रूप में आया। अच्छा आप लोगों के साथ दो तो है नहीं, तो दो को अपन ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं देखो, 14580 बट्टे में 625 है, मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, 14580 बट्टे में पांच की घात चार, 625 को पांच की घात चार लिख सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ। अच्छा मुझे दो लड़ना है तो मैं यहाँ पर दो की घात जीरो लगा सकता हूँ, दो की घात जीरो का मतलब क्या हो गया एक, तो लिखूंगा यहाँ हर दो की घात एन गुना पांच की घात एन के रूप का है या नहीं बच्चों, है क्योंकि दो और पांच द्वारा से अब इस प्रकार का है, उसका दसवां प्रतिशत कैसे होगा, शांत हो गया अशांत होगा, शांत होगा पहले बता चुका हूं, अतः है 14580 बटे में 625 का दसवां प्रतिशत शांत होगा, क्या होगा बच्चों शांत होगा, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा इसी क्वेश्चन में आगे यूं पूछा है कि इसका दशमलव रूप लिखिए या फिर जब 14580 में आप 625 का भाग दोगे तो वो भाग कितनी बार गया, जो भागफल आया आपको वो बताना है कितनी बार गया, तो इसके लिए वही दशमलव प्रतिशत याद करने के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन तरीका बताया जाए वही तरीका आपको इसमें क्या करना है, संख्या दे दीजिए 14580 बटे में 625, क्या पहले बच्चों में ऐसे लिख सकता हूँ 14580 बटे में 625 को मैं लिख सकता हूँ पांच की घात चार, आपने कहा था लिख सकते हो, इतना समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे नीचे 10 बन जाए, कितना बन जाए बच्चों 10, आपको पता है 5 को गुणा किससे करेंगे 10 आ जाए 2 से, तो आपको पता है सर इसमें 4 है तो दो पर भी कितने घात आएगी मुझे 4, तो यहाँ पर दो की घात 4 से गुणा करूंगा, ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो लिखूंगा